नमस्कार साथियों, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली आपके लिए हिंदी की एमसीक्यू सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, इन सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी प्रश्न होते हैं और इन सभी की प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के साथ साथ लगातार करना बहुत जरूरी है। तो सभी विषयों की एमसीक्यू सीरीज आपके लिए हमारे सिलेक्शन मेंटर के चैनल पर लाई जाती है। एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के साथ साथ सभी विषयों की जो पढ़ाई कराई जाती है उन पे कंटिन्यू करिए, जिससे आने वाले साल में हम लक्ष्य अपना प्राप्त कर सके, नौकरी पा सके और आने वाली वैकेंसी में ज्यादा से ज्यादा नंबर्स ला सके। तो चलिए आज की सीरीज में स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सिलेक्शन मेंटर के नाम से आप हमें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जिससे हमारी आने वाली क्लासेस की सभी डिटेल्स आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज को, जिसमें जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पिछले वीडियोस में हमने वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और बहुत सारे टॉपिक्स खत्म किए हैं। कारक का फर्स्ट पार्ट भी हम अपने वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कारक के सेकंड पार्ट का डिस्कशन करेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था कि कारक क्या होते हैं, कारक कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं और सभी प्रश्न सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम कारक के और भी ज्यादा उदाहरण देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज को, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि सीता अपनी बहन से अधिक सुंदर है। सीता अपनी बहन से अधिक सुंदर है, निम्नलिखित वाक्य में कारक चिन्ह बताइए। निम्नलिखित वाक्य में कारक चिन्ह बताइए, जल्दी से बताइए। इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या फिर संबंध कारक, इसमें कौन सा कारक होगा, कौन सा कारक होगा, इसमें जो निश्चय दिया है वो किस कारक का चिन्ह होगा। जल्दी से बताइए कि सीता अपनी बहन से अधिक सुंदर है, इसमें कौन सा कारक होगा। तो आप सभी जानते हैं कि कारक क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे के साथ जाना जाता है, किसी दूसरे शब्द या किसी दूसरे वाक्य के साथ जाना जाता है, वहीं पर हम किसका प्रयोग करते हैं, कारक का प्रयोग करते हैं। कारक कितने होते हैं, कुल 8 कारक चिन्ह होते हैं। कितने होते हैं, 8 कारक चिन्ह होते हैं, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता, कर्म, करण, करण का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा, इस तरह से सभी कारक के अलग अलग चिन्ह भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे। तो अभी ये जो क्वेश्चन फर्स्ट आपसे पूछा है कि सीता अपनी बहन से अधिक सुंदर है, तो ये जो से है ये हमें कारक चिन्ह दिया गया है, इसमें बताना है कि से कौन से कारक चिन्ह का उदाहरण होता है। तो सबसे जो है, जब भी सीता और बहन, उसकी बहन की तुलना की जा रही है और तुलना में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, किसका, अपादान कारक का प्रयोग, क्योंकि ये तुलना बोधक वाक्य है। कैसा है, तुलना बोधक वाक्य है और तुलना बोधक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन फर्स्ट में अपादान कारक होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चूहा बिल से बाहर निकल आया, कारक चिन्ह बताइए। चूहा बिल से, कहने के लिए ये कारक चिन्ह बहुत आसान होते हैं और हमें इनमें ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे वाक्य दिए होते हैं जिनमें कारक चिन्ह होते ही नहीं,
नहीं है, मतलब कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है? लोप होता है और हमें कारक चिन्ह नहीं पता होते। कारक चिन्ह भी बताने होते हैं और उसमें कौन सा कारक का भेद है वो भी बताना पड़ता है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए आयोग हमसे किस तरह के प्रश्न पूछता है और हमें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की करनी होगी। तो चूहा जो है वो बिल से बाहर हुआ, मतलब बिल से अलग हुआ। बाहर आने के लिए क्या हुआ? बिल से अलग हुआ। क्या हुआ? अलग हुआ। और अलग के लिए बताइए कि कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अलग के लिए हमेशा अपादान कारक, तुलना बोधक हो या फिर अलगाव का बोध हो, इन सभी में क्या होता है? अपादान कारक का बोध होता है। तो जैसा कि कारक हमने कौन कौन से पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण के चिन्ह होते हैं से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, संप्रदान का चिन्ह होता है के, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान का चिन्ह होता है से, संबंध काकी के रानी रे नानी ने, संबंध काकी के अधिकरण में या पर, अधिकरण में या पर संबोधन हे ओ और अरे, हे राम संबोधन हे ओ या अरे। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। ये सारे कारक हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं, तो जिसने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हो वीडियोस को वॉच करिए और प्रैक्टिस करिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि अध्यापक छात्र को पीटते हैं, इस वाक्य में कारक चिन्ह बताइए, कौन सा कारक चिन्ह होगा। कारक चिन्ह तो हमें दिया गया है कि जो चिन्ह है वो को है, लेकिन जो को है वो किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक या फिर संप्रदान कारक। जल्दी से बताइए कि जो को है वो कौन से कारक का चिन्ह होगा। तो हम देखते हैं कि जो कर्ता है, कर्ता का चिन्ह ने होता है और कर्म कारक का चिन्ह कर्ता ने कर्म को। तो जो को है वो कौन से कारक का चिन्ह है? कर्म कारक का चिन्ह होता है। किसका होता है? कर्म कारक का चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि जो को है वो कर्म कारक का चिन्ह होता है। आशा है आप सभी समझ पा रहे होंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि सीता फल खाती है वाक्य में किस कारक का लोप है। जैसा कि हमने पीछे देखा कि कुछ वाक्य हमें ऐसे दिए होते हैं जिनमें कारक चिन्ह होता ही नहीं है और कारक चिन्ह का लोप होता है। हमें कारक चिन्ह भी पता करना है और कारक चिन्ह का कौन सा भेद है ये भी बताना होता है। अब सीता फल खाती है, अब इसमें ये भी लिख सकते हैं ना कि सीता फल को खाती है, को खाती है, सीता फल को खाती है। तो जो को है वो कौन से कारक का चिन्ह होगा, जल्दी से बताइए। तो को है वो कर्म कारक का चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को। जो को है वो कर्म कारक का चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि जो को है वो कर्म कारक का चिन्ह होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि कृष्ण ने कंस को मारा, दिए गए वाक्य में कारक बताइए, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, संबोधन कारक या फिर कर्म कारक। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फाइव का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो जब भी एक वाक्य में हमें एक से ज्यादा दिए गए हों कारक चिन्ह, एक से ज्यादा कारक चिन्ह दिए गए हों, तो हम हमेशा बाद वाले, किसको? बाद वाले चिन्ह को कारक चिन्ह मानते हैं। किसको? बाद वाले चिन्ह को कारक चिन्ह मानते हैं। तो कृष्ण ने कंस को जो है किसका उदाहरण है? तो जो को है वो कर्म कारक का उदाहरण है, को कर्म कारक का उदाहरण। पिछले वीडियो में भी हमने कर्म कारक का ही उदाहरण देखा। ये कर्म कारक के उदाहरण मैंने दो तीन इसलिए रखे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि किस तरह से अलग अलग उदाहरण देकर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ही कारक से तीन प्रश्न पूछ ले गए हैं जिसमें कंस को और जो को है वो कर्म कारक का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि लोगों ने सरपंच के चुनाव के लिए मतदान किया, दिए गए वाक्य में कारक चिन्ह बताइए।
ने के लिए को या से। तो हमने देखा कि जब भी एक वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्ह हो तो हमेशा बाद वाले चिन्ह को, किसको, बाद वाले चिन्ह को हम कारक चिन्ह मानते हैं। क्या मानते हैं? बाद वाले चिन्ह को कारक मानते हैं। तो जो के लिए है, के लिए है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब ये पूछा जाए कि जो के लिए है वो किसका चिन्ह है, जल्द से बताइए। तो जो के लिए है वो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। किसका होता है? संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। किसका होता है? संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि उसने पत्र लिखा है, इस वाक्य में कारक बताइए। संबोधन कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक या फिर कर्म कारक, कर्ता कारक या फिर कर्म कारक, कर्ता कारक या फिर कर्म कारक, जल्द से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब इसमें उसने पत्र लिखा है, इस वाक्य को हम ये भी लिख सकते हैं ना कि उसके द्वारा पत्र लिखा गया, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, जैसे कि इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। तो द्वारा, के द्वारा किसका होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से या के द्वारा किसका होगा? करण से या के द्वारा, जल्द से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें यहाँ पे करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि जो उसने पत्र लिखा है वो करण कारक के, करण कारक होगा। उसने पत्र लिखा या उसके द्वारा पत्र लिखा गया, तो ये क्या हो जाएगा? करण कारक का उदाहरण हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह होगा? अपादान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक या फिर करण कारक, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो यहाँ पर से जो है वो दो तरह से पूछा जाता है, या फिर वो करण में होगा या फिर वो अपादान में होगा। लेकिन अपादान में तब होता है जब वाक्य में अलगाव का बोध होता है। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है उसमें किसी प्रकार का अलगाव नहीं हो रहा है। सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण से या पुस्तक के द्वारा कहानी पढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि सुनील पुस्तक से या पुस्तक के द्वारा कहानी पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करण कारक आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि उसको हमने खूब सवेरे जगाया, उसको हमने खूब सवेरे जगाया, इस वाक्य में उसको में कौन सा कारक चिन्ह होगा? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में, पर संबोधन है वो अरे, जल्दी से बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा। और इसमें यहां पर उस और को अलग तरह से लिख सकते हैं। तो को जो है वो हमें बताना है कि को जो है कौन से, किसका कारक चिन्ह होगा? तो को जो है वो कर्म कारक का उदाहरण चिन्ह होता है। किसका होता है? कर्म कारक का चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न से क्या पूछा है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि वह घर से बाहर आ गया, किसी चीज से अलग होने के लिए कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग किया जाता है, बताइए। जैसा कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी, चूहा बिल से बाहर आ गया, बिल्ली घर से बाहर आ गई, तो इस तरह से किसी भी चीज से जब अलगाव होता है या अलग होने के लिए, पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ से लड़का गिर गया, पेड़ से फल तोड़े गए, इन सभी में जब भी अलगाव होता है तो हमेशा एक ही कारक प्रयोग किया जाता है। कौन सा होता है? अपादान। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, और से किसका आ रहा है? अलगाव होने का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अपादान से, और अपादान का चिन्ह क्या होता है? से। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि सुरेश मैदान में खेल रहा है, सुरेश मैदान में खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह होगा? संबंध कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन 11 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा?
तो जो अधिकरण कारक होता है कौन सा होता है, अधिकरण कारक होता है उसका चिन्ह होता है में या पर। क्या होता है, में या पर। तो सुरेश मैदान पर खेल रहा है, सुरेश मैदान में खेल रहा है, लेकिन यहाँ पर अधिकरण का कोई भी उदाहरण हमें नहीं दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 11 को ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा, सुरेश मैदान में खेल रहा है और में किसका होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। किसका होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। आशा है आप सभी क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमसे पूछता है कि कारक चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत जरूरी और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है कि कारक चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अव्यय, संबोधन, कारक या परसर्ग। जल्दी से बताइए कि कारक को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़े हुए होंगे वो इस प्रश्न का आंसर आशा है बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जो कारक होता है उसका दूसरा नाम ही क्या होता है, परसर्ग होता है। क्या होता है, परसर्ग होता है, और कारक को परसर्ग के नाम से जाना जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि कारक को हम अन्य परसर्ग के नाम से जानते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि वहां सभा होने जा रही है, वहां सभा होने जा रही है, इस वाक्य में कारक का भेद बताइए। कर्म कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक या फिर संविधान कारक। अब इसमें कोई भी कारक नहीं दिया गया है, अर्थात कारक चिन्ह का क्या है, लोप है, कारक चिन्ह छिपा हुआ है। तो इसमें अगर हम वाक्य लिखेंगे तो लिखेंगे वहां पर, वहां पर सभा होने जा रही है, वहां पर सभा होने जा रही है, जा रही है। तो इसमें हमें अब कारक चिन्ह दिख गया कि जो पर है वो क्या है, कारक चिन्ह है, और जो पर है वो किसका कारक चिन्ह होता है, अधिकरण का होता है या फिर में या फिर पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अधिकरण में या पर, वहां पर सभा होने जा रही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि परसर्ग कितने होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि कारक का ही दूसरा नाम क्या होता है, परसर्ग होता है। जैसे हम सभी के कई नाम, दो किसी किसी के दो दो नाम होते हैं, घर का अलग और स्कूल का अलग, इस तरह से कारक के भी दो नाम होते हैं, कारक या फिर परसर्ग। तो जितने कारक होते हैं मतलब 8, और परसर्ग भी कितने होंगे, 8। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कारक अलग है और परसर्ग अलग है। अगर कारक 8 है तो परसर्ग भी कितने होंगे, 8 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, कारक, परसर्ग, दोनों या कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो संज्ञा या सर्वनाम की, अब इसमें यहाँ पे डायरेक्ट परिभाषा से प्रश्न पूछ लिया गया है कि कारक की परिभाषा आपको दे दी गई है और पूछा है कि इनमें से क्या होगा। तो संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध हो, किसका बोध हो, संबंध का बोध हो, उसे हम लोग कारक, परसर्ग, दोनों ही एक ही नाम है इसलिए दोनों कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि क्रिया के अर्थ को पूरा करने वाले, क्रिया के अर्थ को पूरा करने वाले चिन्ह किस नाम से जाने जाते हैं, संबंध कारक, कारक चिन्ह, विशेष चिन्ह या विराम चिन्ह। क्रिया के अर्थ को पूरा करने वाले चिन्ह हमेशा कारक चिन्ह के नाम से ही जाने जाते हैं। किसके नाम से, कारक चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कारक चिन्ह का भेद नहीं है। इसका मतलब कि हमें सारे भेद याद होने चाहिए कि कारक के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। कितने, 8 भेद होते हैं, कुल 8 भेद। कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान, अपादान, अपादान संबंध, अधिकरण, अधिकरण और संबोधन, और संबोधन। ठीक है, तो आठ भेद हो गए, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इन सभी के अलग अलग चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का की के, अधिकरण में पर संबोधन है ओ अरे। इनमें से कौन सा कारक चिन्ह का भेद नहीं है? तो कर्ता कारक भी होता है, कर्म कारक भी होता है, करण कारक भी होता है, लेकिन अनुलोम कारक कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनुलोम कारक कुछ भी नहीं होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि हे भगवान उसका क्या होगा। कभी-कभी हम लोग भी कहते हैं ना, हे भगवान उसका क्या होगा। इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग होगा? संप्रदान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक या फिर विराम कारक? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो जब भी हम संबोधन करते हैं, संबोधन में हे भगवान, क्या हे भगवान, हे राम, ये सारे शब्द आते हैं, तो इन सभी में क्या हो रहा होता है? संबोधन हो रहा होता है। इसमें हे, ओ, अरे, अरे ये सारे शब्द आते हैं, तो ये सभी संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि कारक का आठवां भेद कौन सा होता है, तो आठवें भेद के नाम से जाने जाना वाला कारक कौन सा होता है? आठवें भेद के नाम से जाना जाता है कौन सा? संबोधन कारक, संबोधन कारक। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि जिस समय वह आया था उस समय मैं उपस्थित नहीं था। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? जिस समय वह आया था उस समय मैं उपस्थित नहीं था, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? आप देख पा रहे होंगे कि इस पूरे वाक्य में आपको कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिया गया है। इस पूरे वाक्य में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, अथवा कारक चिन्ह का लोप है। क्या है? कारक चिन्ह छिपा हुआ है। क्या है? छिपा हुआ है। आपको बताना है कि कारक चिन्ह कौन सा है और उसका भेद क्या होगा। भेद क्या होगा? करण कारक ऑप्शन दिए हैं आपको, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या फिर संबंध कारक। तो पहले तो हमें कारक ढूंढना होगा कि कौन सा कारक होगा, जल्दी से बताइए। तो हम इसे ये लिख सकते हैं कि जिस समय पर वह आया था, जिस समय पर वह आया था उस समय मैं उपस्थित नहीं था, उस समय मैं उपस्थित नहीं था, मैं उपस्थित नहीं था। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो इसमें जल्दी से बताइए, अधिकरण में या पर, अधिकरण का होता है में या पर, में या पर, में या पर। अब यहाँ पे फर्स्ट में कौन सा होगा? अधिकरण कर लीजिए कि 19 का जो फर्स्ट नंबर है वो अधिकरण कारक होगा, और अधिकरण जिस समय पर वह आया था उस समय मैं उपस्थित नहीं था। इसमें अधिकरण कारक में या पर अधिकरण कारक के ही चिन्ह होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न से पूछा है कि मोहन साइकिल से कोचिंग आया है, पंक्ति में कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक या इनमें से कोई नहीं, जल्द से बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 में जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। मोहन साइकिल से कोचिंग आया है, तो से हो या फिर मोहन साइकिल के द्वारा कोचिंग आया है, साइकिल
के द्वारा कोचिंग आया है। दोनों ही चिन्ह किसके होते हैं? करण कारक के चिन्ह होते हैं। किसके होते हैं? करण कारक के चिन्ह होते हैं, और करण कारक आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। से या के द्वारा दोनों ही किसके होते हैं? करण कारक के चिन्ह होते हैं। तो आशा है आप सभी को कारक चिन्ह बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए, जिससे आने वाली परीक्षाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जा सके। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। Thank you.